अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान फ्रॉम टेक्निकल जी। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टिकटॉक के रिलेटेड, क्योंकि टिकटॉक अभी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, आप में मतलब सब मिला लो, ठीक है। ऐसे में होता क्या है कि जैसे ही उनकी वीडियोस फॉर यू में जाने लगती हैं तो उनकी वीडियोस पर रिपोर्ट आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि या तो उनकी वीडियोस डिलीट हो जाती हैं या तो इंटरव्यू चली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जो भी आपकी वीडियोस पर रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई हैं या टिकटॉक के जरिए उनको मतलब डिलीट कर दिया गया, तो उनको रिकवर कैसे किया जाए। ये नहीं कि आपको अलग से वीडियो अपलोड करनी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं आपको तरीका बताने वाला। कोई कभी मतलब होता है ना कि यार आपको जो है दोबारा वो वीडियो अपलोड करो या उसमें ये चेंजेस करो, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने वीडियो अपलोड की होगी डिलीट हुई हुई वीडियो में आपको रिकवर करना आज की वीडियो में समझा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने खुद ने फेस किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना। और ऐसे में ये होता है कि आपका जो अकाउंट बैन हो जाता है तो उसको अनबैन कैसे करवाते हैं, तो आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल में समझाता हूं। तो वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना है। और मैं भूल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक। आज जो है ईद, पूरे रमजान मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो सोचा क्यों ना ईद वाले दिन ही कोई वीडियो अपलोड कर दी जाए, क्योंकि रमजान में टाइम तो था, मूड नहीं था। तो बढ़ाते ही आगे वीडियो को। मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी वो वीडियोस दिखाता चलूँ जो मेरी दो वीडियोस हैं डिलीट हो चुकी थी, ठीक है। मेरे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं वो डिलीट हो गई थी, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं था कि ये तरीका करने से, एक होता है ना उम्मीद, वो उम्मीद भी मुझे नहीं थी कि यार वीडियो वापस आनी है नहीं। ये टिकटॉक ने खुद ने बोला कि भाई ये काम करो तो आपको जो है वीडियो आपकी वापस आ जाएंगी। तो मेरी दो वीडियोस डिलीट हो गई, मैं आपको दोनों वीडियोस दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो बस यही एक वजह है जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया का इतना दिल नहीं कर रहा था हमारे यूज करने का, और वो वजह है ये प्राउड मोमेंट था यार। मैं तेरी तारीफ की है तेरे खिलाफ मैंने कुछ नहीं, तारीफ की है मैंने यार, कसम से तेरी वजह से तो नहीं यूज करता मैं, और क्या मतलब तेरे साथ नहीं खेल रहा था मैं हर टाइम है। इसको लगता है मैं पता नहीं झूठ, यार मैं झूठ तो नहीं बोलता ना तेरे सामने कम अज कम है। हाँ, अच्छा वो हमारे फॉलोअर्स हैं इतने ज्यादा, वो कह रहे होते आप पोस्टिंग नहीं कर रहे होते, मैं तो गंजा करना पियो नू। No, I don't believe in soulmates, but तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार। तो जैसे कि आपने ये दोनों वीडियोस देखी, एक में तो जो मेरी पिक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, एक वीडियो मेरी थी और दूसरी जो वीडियो थी वो मतलब किसी और की थी, ठीक है। वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना अपलोड की जाए। अब जो मेरी वाली वीडियो है तो उसमें वायलेशन का उन्होंने मतलब इशू बनवाया कि यार ये इसमें वायलेशन की है, क्योंकि उसमें गन थी मेरे हाथ में, ठीक है, और गन मेरे दोस्त के हाथ में, क्योंकि उसमें गन वगैरह या चाकू वगैरह या मारपीट जो है उसमें टिकटॉक मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, तो वीडियो डिलीट हो जाए। चलो भाई ये समझ में आता वायलेशन है। तो जो दूसरी वीडियो है, जो मतलब एक बंदा है अपने मतलब बेटी के साथ है बैठा हुआ है, तो उसमें मतलब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। उसमें जो इशू दिया गया मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, तो उसमें ये वाला सारा इशू था। तो इसको मैंने कैसे रिकवर किया, वही मेरी वीडियो आपको मैं अपने अकाउंट पे चल के दिखा रहा हूँ। तो वही व्यूज़ उसी टाइम की अपलोड की हुई जब डिलीट हुई थी, तो उसके बाद जब रिकवर हुई तो वही वीडियो मैंने कैसे की। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पास एक नोटिफिकेशन भेजा भाई कि आपकी जो वीडियो है उसमें मतलब एक्सरसाइज कुछ भी है, मतलब ये कंटेंट आपने अपलोड किया है। तो मैंने देखा यार इसमें ऐसा क्या है, तो मैं समझ गया कि यार इस पे जो है रिपोर्ट्स वगैरह लगी होंगी, तो इस वजह से मेरी ये वीडियो डिलीट हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपना फीडबैक दिया वहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके, वहाँ पर कोई चार तस्वीरें मांगते, तो मैंने क्या किया कि चार तस्वीरें अपलोड नहीं की, अंग्रेजी जैसे हमें आती थी हमने लिख के उनको भाई बोला कि मेरा कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है, आप चेक कर सकते हो, ये है कि कोई मतलब खामखा के रिपोर्ट वगैरह कर रहा है, आप चेक करें, अगर मेरे इसमें मतलब कुछ भी ऐसा इशू है तो आप दोबारा से डिलीट कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा भाई वाकई ये कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा रिपोर्ट लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो उन्होंने वही मेरी वीडियो री अपलोड कर दी वहीं से ही। तो आपको मैं अभी चल के थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तरीका समझाता हूँ कि उनको फीडबैक कैसे करना है, रिपोर्ट मतलब अपनी जो रिपोर्ट तो नहीं होगी, मतलब उनको जो हेल्प के लिए उनके मैसेज वगैरह जो होता है ईमेल वगैरह वो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको चल के अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मतलब दूसरा ऐसे में होता ये है ना कि आप जब फेमस होने जा रहे हो ना, तो आपके अगर दो आपके लवर हैं तो दो आपके हेटर्स भी होंगे। ऐसे में ये है कि मेरे अपने ही मतलब कुछ दोस्त हैं, तो वो रिपोर्ट वगैरह मतलब मजाक
मजाक में मारते, ठीक है, मेरे सामने बैठा हूँ, वो बोलते हैं यार दे देख तेरी मतलब वीडियो फोरी पे, हालांकि किस्मत से मेरी कोई वीडियो फोरी पे जाए, बोल देख रिपोर्ट कर रहे हैं, कर देते हैं रिपोर्ट, ऐसे मतलब हो जाता है कभी कभार सीन। तो ये होता है कि मैं अपनी वीडियो से फिर रिकवर करवा लेता हूँ, तो सोचा क्यों ना आपसे ये शेयर करता चलूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी, शायद ऐसे समझ में ना आए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैं अपना टिकटॉक ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेरे पास एक इन्होंने जो है ना अपडेट भेजा था, अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा था कि भाई आपने जो है ना वॉयलेशन क्रिएट किया, तो आपकी जो अपलोडिंग है वो हमने ब्लॉक कर दिए, ठीक हो गया। तो ऐसे में ये था कि मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर देखो ऊपर जो मेरी वीडियो है ये रिमूव की गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको अपनी जो है ना अपील वो सबमिट करवा दी, उसके बाद फिर इन्होंने बोला थैंक यू फॉर सबमिट योर अपील, वी हैव रिव्यूड एंड रिस्टोर योर कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉन्टेंट है वो फिर रिव्यू करके बाद में जो है ना रिकवर कर लेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये था कि मेरा जो है उसी टाइम मतलब एक दो मिनट में मेरी जो वीडियो रिकवर हो गई थी। उसके बाद एक और जो मेरी वीडियो थी अब उसके लिए भी मैंने वही सेम चीज़ अप्लाई की थी, कहाँ गई वो, ठीक है। ये दोनों वीडियो हैं, ठीक है, मैंने दो बार इसके लिए अप्लाई किया और दोनों बार जो है ना मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी थी, ये अपलोड नहीं हो रहा। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लीगली भाई देखो कि मैंने गन हाथ में पकड़ी हुई, तो ऐसे में ये था कि वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। हाँ, ये आपकी वीडियो पर कोई भी अगर रिपोर्ट वगैरह मारता है तो वो आपकी वीडियो रिकवर हो जाती है। चलो मैं आपको अभी दिखाता चलूँ कि वो वीडियो जो है दोबारा मेरी अपलोड हो चुकी है, ये वाली वीडियो, ठीक हो गया, ये वही वीडियो है। इसके व्यूज़ वगैरह चेक करो आप, सारी चीज़ें जो है ना देखो उसी टाइम की, ये इसके एनालिटिक्स में आपको दिखाता चलूँ, ये सारी चीज़ें देखो अब फॉर यू पर भी चल रही है ये वीडियो, मतलब इसमें कोई भी ऐसा जो है ना इशू वगैरह नहीं आता फिर उसके बाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो होगी वो समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और 1K तक सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। ईद का दिन है, ईदी समझ के सब्सक्राइब कर दो, भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे यार 1K सब्सक्राइबर कर दो, बहुत ही आपका मतलब शुक्रगुजार रहूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।